नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मीरा कुमार ने भरा नामांकन। सोनिया, मनमोहन समेत 17 दलों के नेता रहे मौजूद। शिक्षा विभाग ने किया 109 भामाशाहों का सम्मान। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। जोधपुर के भांडू गांव में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार बस ने कुचला। लोगों ने फूंक दी बस। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जज और पुलिस की गाड़ी में टक्कर। घायल जज राजदीप और एक मासूम बच्ची की मौत। अब खबरें विस्तार से। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, शरद पवार जैसे विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा। नामांकन से पहले मीरा कुमार आज सुबह राजघाट पहुंची। मीरा कुमार के नामांकन करने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बांटने की राजनीति के खिलाफ हमने देश को एक करने की विचारधारा को आगे रखा है। मीरा कुमार हमारी उम्मीदवार है, हमें इस पर गर्व है। श्रीनगर में एनआईए ने हुर्रियत के 3 नेताओं को हिरासत में लिया है। अब एनआईए टीम उनसे दिल्ली में पूछताछ करेगी। इन 3 हुर्रियत नेताओं में अयाज अकबर, अल्ताफ शाह और मेहराजुद्दीन कलवल शामिल है। इनमें अल्ताफ शाह अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है। इन तीनों को कश्मीर में आतंकी गतिविधि और उपद्रव के लिए फंडिंग की जांच के संबंध में हिरासत में लिया गया है। अल्ताफ शाह को अल्ताफ फंटूस के नाम से भी जाना जाता है। खबरों के मुताबिक एनआईए अल्ताफ से उसकी संपत्तियों जैसे घाटी और जम्मू में घर और उनकी फंडिंग के स्रोतों को लेकर 12 जून को भी पूछताछ कर चुकी है। बाबा अमरनाथ बर्फानी की वार्षिक यात्रा के लिए आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने करीब सुबह 4:30 बजे जम्मू बेस शिविर से अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में राजस्थान से उदयपुर पार्टी विधायक शुभकर्ण चौधरी और बायतु विधायक कैलाश चौधरी गए हैं। इनके साथ राजस्थान संगठन के अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, राम सिंह, भगवान सिंह शेखावत, महावीर सिंह शेखावत जितासु, व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश गुप्ता, भूपेंद्र चौधरी, युवा नेता विजेंद्र सुंडा, बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश भास्कर भी हैं। ये आज प्रातः जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने पूरे दल का स्वागत किया है। ज्ञात हो कि पवित्र गुफा में शिवलिंग के पहले दर्शन 29 जून को होंगे। केंद्र सरकार ने आज आयकर नियमों में आमूलचूल बदलाव किया है। इसके साथ ही अब पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है। शिक्षा विभाग की ओर से आज जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के 140 भामाशाहों एवं प्रेरकों का सम्मान किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और समारोह की अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने की। इस अवसर पर राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्य में शैक्षिक विकास के लिए इस बार 10 लाख रुपए से अधिक का सहयोग करने वाले 109 भामाशाहों द्वारा 62,32,42,000 रुपए राशि शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुई है। देवनानी ने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम राशि का दान करने वाले भामाशाहों द्वारा भी महती सहयोग शिक्षा क्षेत्र में किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 1995 से शिक्षा विभाग द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षिक सहयोग के लिए अब तक 1302 भामाशाहों को सम्मानित किया जा चुका है। कपड़े पर प्रस्तावित जीएसटी का विरोध राजस्थान में भी जारी है। इसके चलते प्रदेश के बाजारों में आज भी सन्नाटा पसरा रहा। राजस्थान कपड़ा जीएसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज भी प्रदेश भर के कपड़ा व्यापारियों ने अपने कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया। इसके चलते प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन कर जीएसटी का विरोध किया गया। राजस्थान कपड़ा जीएसटी संघर्ष समिति के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कपड़े पर जीएसटी लागू किया तो प्रदेश भर के कपड़ा कारोबारी 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन बंद पर चले जाएंगे। कपड़ा कारोबारियों के इस विरोध के पहले दिन प्रदेश की करीब 1.5 लाख से अधिक कपड़ा दुकानें बंद रहीं। इसके कारण पहले ही दिन 350 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसमें अकेले जयपुर और भीलवाड़ा में 100-100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित बताया जा रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं पीसीएम के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है।
अमित मील, जिसका पीसीएम में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था और वर्ष में 2 बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413811100 पर। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राजस्थान के जिन इलाकों में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है, इस बार उन्हीं इलाकों में होकर मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी है। आखिर लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को मानसून ने बाड़मेर से प्रवेश करते हुए प्रदेश के कई शहरों को तरबतर कर दिया। मानसून के पश्चिम दक्षिण राजस्थान में प्रवेश के साथ ही जमकर बारिश हुई। सुबह 8:30 बजे तक बाड़मेर में सबसे अधिक 45.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार चूरू में 21.6 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ माउंट आबू में 16 मिलीमीटर, जयपुर में 12 मिलीमीटर, अजमेर में 9.6 मिलीमीटर, डबोक में 3.8 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 3 मिलीमीटर और बूंदी में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने से गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिली है। जयपुर में आज सुबह हुई बारिश के बाद तेज हवाएं चलने से मौसम और भी अधिक सुहावना हो गया। जोधपुर के लोनी तहसील के भांडू गांव में आज सुबह सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बस का टायर महिला के सिर के ऊपर से निकल गया था। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस को फूंक दिया। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गांव कटाड़ा निवासी जेताराम पटेल की पत्नी अपने गांव से भांडो की तरफ रोड पार कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आई बस ने महिला को चपेट में ले लिया। चौमू के पास गोविंदगढ़ में राजमार्ग 52 पर ढोडसर के एक समीप छात्रों से भरी एक बोलेरो एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे में एक छात्रा समेत कई छात्र घायल हो गए। छात्रा को SMS में भर्ती करवाया गया है। ढोडसर के समीप गलत दिशा में आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में यह बोलेरो पलटी थी, जिससे सीकर के बोलेरो सवार विद्यार्थी चपेट में आ गए, जिनमें एक छात्रा को गंभीर हालत में जयपुर SMS में भर्ती करवाया गया है। ये सभी छात्र जयपुर परीक्षा देने आ रहे थे। उदयपुर की ACB टीम ने बड़ी सादड़ी के जयसिंहपुरा में एक पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह पटवारी पहले से ही रिश्वत लेता रहा है, लेकिन आज ACB के द्वारा रंगे हाथों दबोच लिया गया। इस पटवारी ने नामांतरण की एवज में उक्त राशि रिश्वत के रूप में मांगी थी, जिसे ट्रेस कर ACB ने रंगे हाथों दबोच लिया। सिम्बार रोड के पिंडोलाई गांव में कुड़ियों की ढाणी में आज एक खेत में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज चिंगारियों के साथ विस्फोट हो गया। इसके कारण खेत में काम कर रहे 2 जने झुलस गए। बताया जा रहा है कि किसान का पूरा परिवार उस समय खेत में निराई गुड़ाई का काम कर रहा था। इस दौरान खेत में लगे बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया। इससे विनोद कुड़ी व विकास ट्रांसफार्मर के गर्म तेल के छींटे लगने से झुलस गए। वहीं बाकी सदस्यों को भी हल्की चोट आई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के बीच में आज पुलिस की जीप और तारानगर की जज राजदीप की कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में जज राजदीप और 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पेट्रोलिंग हाईवे गाड़ी और तारानगर के जज की गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तारानगर के जज राजदीप सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं एक 3 साल की बच्ची नम्रता की मौत हो गई। घायलों को लक्ष्मणगढ़ से सीकर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान जज राजदीप ने भी दम तोड़ दिया।
झुंझुनू में जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है। झुंझुनू में आयोजित गौरव जुलूस व झुंझुनू गौरव सम्मान 2017 में जिले के राजकीय विद्यालयों के वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 2017 में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों, अध्यापकों व संस्था प्रधानों का समाज में मान बढ़ा है। उनका सम्मान व अभिनंदन करने से सभी को अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और राजकीय विद्यालयों के नामांकन अभियान को भी गति मिलेगी। यह अनूठी पहल जिले में पहली बार हुई है। डीजे के साथ नाचते गाते जश्न रैली प्रातः 10 बजे डाइट परिसर से रवाना होकर शहर की मुख्य सड़क व बाजार से होते हुए जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू पहुंची। उसके बाद जिला कलेक्टर दिनेश यादव, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल व अन्य जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों द्वारा होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। होनहार बच्चों को एक एक प्रशस्ति पत्र, एक एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी व भामाशाह द्वारा सभी बच्चों को 1100 रुपये का नगद इनाम दिया गया। इस जिले में 34 विद्यार्थियों व उनके 27 संस्था प्रधानों ने झुंझुनू गौरव सम्मान प्राप्त किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।